और अब हम जिस महान विभूति को आमंत्रित करने जा रहे हैं, मार्ग प्रशस्त करें श्री संजय कोठारी सचिव कार्मिक। मेरे साथी अधिकारीगण, सचिव आयुष, योगा प्रमोट हेल्थ एंड मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्ग। योगा हैज एवॉल्व्ड एज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड थेरेपी फॉर सेवरल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार स्वस्थ होंगे तो वो बहुत सारा समय अपने लिए लगाएंगे। जैसा आप सब लोग अवगत हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ 9 बजे आते हैं, 7 बजे जाते हैं और थोड़ा सा खाना लाते हैं या चाय पीते हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य से अच्छा मन रहेगा, अच्छा कार्य होगा, अच्छी सोच होगी और अच्छा लोगों की सेवा करेंगे। हमारे सब ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारे मेंटल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल के लिए, जैसे कि हम इनस्टेबल रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, तो ध्यान बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे जीवन का। अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं तो अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश पाते हैं। आसन से हम शरीर को दृढ़ बनाते हैं, प्राणायाम से अपने आप को हल्का करते हैं और क्लिंजिंग क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। तो अगर आप इसको नियमित करें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। सिंपल आसन है, इतना ही करना है। हमारा शोल्डर पेन है सारे, इतना ही करना है। मतलब है कि जो हमारा क्षमता है उसके अनुसार हमने स्ट्रेचिंग करते हैं। मिस्टर मैडम अर्चना वर्मा हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या करते, कपालभाति चालू करें। सबसे पहले हमारा छाती को थोड़ा सा ऊपर लाकर हमने नाभि के जगह में हमने स्ट्रोक्स देते रहते हैं। स्थिति होती है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। हस्त मुद्राएं होते हैं वही सही रहेंगे। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ब्रीदिंग और माइंड वगैरह, इसलिए हम हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम